हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं एक फंक्शन को यूज़ करते हुए। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हेडर फाइल हैश इनकोड स्ट्रिंग, देन हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिटर्न जीरो। अब हम लोग कोड करते हैं हमारे फंक्शन को। जो हमारा फंक्शन है गाइस, उसका नाम हम लोग रखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रख देते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले गाइस, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सो हमें क्या क्या चाहिए इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए? हमें बेसिकली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो प्रिंसिपल, देन रेट एंड देन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट ले लेंगे int p कॉमा int r कॉमा int t। इस तरीके से हमने तीन आर्ग्यूमेंट को ले लिया है एंड हम इस फॉर्मूले को रिटर्न करा देंगे। इस तरीके से आप लोग फंक्शन को यूज़ करते हुए सिंपल इंटरेस्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं इस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी आउट द सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को। सो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम को पास कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग अमाउंट जो है उसको रख लेंगे 10,000 कॉमा जो हमारा रेट है वो रख लेते हैं 2%, एंड देन हमारा जो टाइम है उसको हम लोग रख देंगे 6। सो बेसिकली हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं एंड 6 मंथ के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं यहाँ से। सो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके आ चुका है जो कि 1200 है। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन को यूज़ करते हुए सिंपल इंटरेस्ट को काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।